चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज अंबाती रायडू ने शनिवार को उस समय खलबली मचा दी जब उन्होंने ट्वीट किया कि मौजूदा आईपीएल 2022 टूर्नामेंट उनका आखिरी सीजन है, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद ट्वीट को डिलीट भी कर दिया, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को चौंका दिया है। रायडू ने ट्वीट कर लिखा था कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ये मेरा आखिरी आईपीएल होगा। मैंने इसे खेलने और 13 साल तक दो महान टीमों का हिस्सा बनने के लिए एक शानदार समय बिताया है। इस शानदार यात्रा के लिए मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। चेन्नई के सीईओ काशी विश्वनाथ ने एक मीडिया चैनल से कहा कि रायडू आईपीएल से संन्यास नहीं ले रहे हैं। वह थोड़ा निराश थे कि वह अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने गलती से वह ट्वीट कर दिया। मैंने उन्हें चीजें समझा दी हैं, वह संन्यास नहीं ले रहे हैं, वह हमारे साथ रहेंगे। इससे पहले 5 बार के आईपीएल विजेता रायडू ने 2019 में खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही यूटर्न ले लिया और घरेलू क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल में भी खेलने के लिए लौट आए थे। आईनेस रिपोर्ट।